हम आज आप लोग के बीच में आया हूँ ये बताने के लिए कि यदि रउआ लोग के हिंदुस्तान के हालत में सुधार लाना है, एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार बनाना है, तो एक बार फिर हमरा के आप लोग जिता दीजिए। हम रउआ लोग से वादा करते हैं कि हम बहुत कुछ करके दिखा देंगे। श्रीमान ने आप लोग का वोट जो दी पाएंगे, समझ रही हो? हाँ हाँ समझ रहे हैं। श्रीमान ने आप लोग का वोट जो दी पाएंगे, केहू जो मन किया नहीं कर के दिखाएंगे। निरहु का उना चनिया पदनिया का कर जिनकी बना चे गाय वाला नाचाय वाली रंदी ऊ का सा जो करियो। हारे लोकतंत्र की जनता तेरी यही कहानी, अपने हाथों से है लिखते अपने भाग्य में आंखों का पानी। ऐसा लिखना उस वक्त इसलिए आवश्यक हो जाता है जब जनता जनार्दन अपने व आने वाली पीढ़ी के भाग्य के नवनिर्माण के लिए अपने अमूल्य अधिकार का प्रयोग कर नीत के मंदिर में अपना जनप्रतिनिधि भेजता है। और जब वही प्रतिनिधि जनता का अमूल्य अधिकार पाकर सिर्फ अपने भाग्य के बारे में सोचने लगे तो इसे क्या कहेंगे। बता दें कि आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से यह भी मंजर देखने को मिल रहा है। निरहुआ ने बहुत पहले एक गीत गाया था, श्रीमान आप लोग का वोट जो दी पाएंगे, समझ रही हो? हाँ हाँ समझ रहे हैं। श्रीमान आप लोग का वोट जो दी पाएंगे, केहू जो मन किया नहीं कर के दिखाएंगे। श्रीमान आपका वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सांसद के इस गीत को जनता किस रूप में ले, और उनके सांसदीय क्षेत्र का देवारा घाघरा नदी में आई बाढ़ के कारण देवारा के लगभग 125 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है और अंतरवासियों के खरीफ की सारी फसलों को नष्ट किया और साथ ही घर में रखे अनाज को भी नहीं छोड़ा और मवेशियों सहित विस्थापित होने को मजबूर कर दिया। देवारा में आई बाढ़ ने इतना ही नहीं किया, किसानों के आने वाली रबी की फसलों पर भी प्रभाव डाल दिया। परंतु माननीय सांसद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धनपुर गांव में शूटिंग में मस्त हैं और भाजपा के नेताओं व पदाधिकारियों से मिलने में समय बिताकर जिले मुख्यालय चले जाते हैं। और बाढ़ के शुरुआती दिनों में देवारा वासियों की समस्या को लेकर मीडिया ने जब सवाल उठाई, तब जाकर एक दिन सांसद महोदय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने तो आए, परंतु बाढ़ प्रभावित आधे क्षेत्र से कम क्षेत्र का ही दौरा कर भाजपा के जिले के आला पदाधिकारियों से मिलकर वापस हो लिए। जनप्रतिनिधियों के इस रवैये से प्रश्न चिन्ह लगता है, जनता जनार्दन किसे चुने और चुनते समय किस मानक पर विश्वास जताए, और यह सवाल लोकतंत्र को हमेशा कटघरे में खड़ा करता रहेगा। मेरे प्यारे भाई लोग, हम आज आप लोग के बीच में आया हूँ ये बताने के लिए कि यदि रउआ लोग के हिंदुस्तान के हालत में सुधार लाना है, एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार बनाना है, तो एक बार फिर हमरा के आप लोग जिता दीजिए। हम रउआ लोग से वादा करते हैं कि हम बहुत कुछ करके दिखा देंगे। निरहु का उना चनिया पदनिया का कर जिनकी बना चे गाय वाला नाचाय वाली रंदी ऊ का सहयोग करी हो कब नजर कर वो कहते निरहु ना उनका गाड़ फट गए रोई पानी हलक हलक खराब हवा को बुखार हो गई अरे बहुत तबीयत खराब है हम जाते हैं यहाँ से कुछ सहयोग का बना दे सहयोग वह करता जे विधायक बहाने पर धर लेता चल जाता राय दक क्यों ना बा नहीं गाड़ी गिनती करा के आवत हलो कितना गाड़ी विधायक लोग लेके आई ना गई ना मुख्यमंत्री दौड़ा लगा दौड़ा आ गया मुख्यमंत्री बचवा मेला लगा के चल जाता।